हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताऊंगा आई वो लाइट टाइम मूवीज एट प्रो के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्प्लिट स्क्रीन से। स्प्लिट स्क्रीन का मतलब कि आप एक समय में दो काम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं कि हम दो काम एक समय में कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कुछ टाइप भी करना चाहते हैं और साथ में हम यूट्यूब भी चलाना चाहते हैं, तो इन दोनों काम को एक साथ कैसे करें, चलिए इस एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना कोई भी वीडियो खोल लिया, तो अब यहाँ पर अगर आपको टाइप भी करना है तो यहाँ पर आप कॉर्नर में यहाँ पर देख रहे होंगे एक छोटा सा स्क्वायर बटन, जिसे हम मिनिमाइज बटन भी कहते हैं। तो आपको यहाँ पर सिंपली थोड़ी देर तक प्रेस करके रखना पड़ेगा। आपको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन स्प्लिट हो चुका है। अब स्क्रीन स्प्लिट होने के बाद आप यहाँ पर नॉर्मल आप अपना यहाँ पे वीडियो भी देख सकते हैं और यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। अब बात करें इसकी दूसरे फीचर की, तो वो है सिस्टम अपडेट से रिलेटेड। वैसे तो सिस्टम अपडेट सबको करना आता है, पर आईबॉल टैबलेट में आपका सिस्टम अपडेट मोबाइल डाटा से नहीं होगा। तो ये अपडेट कैसे होगा, चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले से ही आईबॉल केयर का इनबिल्ट ऐप आएगा, तो आपको सिंपली से ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं देर इज़ नो अपडेट अवेलेबल, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले से ही अपडेट कर लिया है। अगर आपका यहाँ पर अपडेट अवेलेबल है तो आपको उसे मोबाइल डाटा से नहीं करना, क्योंकि उससे आपका अपडेट नहीं होगा। तो आपको सिंपली दूसरे मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर लेना है और अपने मोबाइल के वाईफाई के थ्रू इसे अपडेट कर लेना है। यही तरीका है जिससे आप अपने टैबलेट को अपडेट कर सकते हैं। बात करें इसके तीसरे फीचर की, तो वो है ड्यूल स्पेस, मतलब कि आप अपने मोबाइल का डुप्लीकेट कैसे कर सकते हैं, आप एक फ़ोन में दो फ़ोन जैसा काम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ये हम कैसे कर सकते हैं। इस फीचर के हेल्प से आप तो व्हाट्सएप भी चला सकते हैं, तो फेसबुक भी चला सकते हैं और काफ़ी सारे काम आप डबल डबल कर सकते हैं इस फीचर के हेल्प से। तो चलिए जानते हैं कैसे। तो इसके लिए आपको पहले सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में आने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो लास्ट में आपको यहाँ पर लिखाएगा सिस्टम। तो सिस्टम में आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लिखा आएगा मल्टीपल यूजर्स, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनर, जो आपका प्रेजेंट डिवाइस है ये। और यहाँ से आप अगर एक नया डिवाइस ऐड करना चाहते हैं तो ऐड यूज़र पर क्लिक करके आप न्यू यूज़र ऐड कर सकते हैं, एक नया मोबाइल अपना ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ऐड किया। ओके करने के बाद अभी आपको सेटअप करने बोल रहा है, तो हम सेटअप कर लेते हैं। तो अभी नए यूज़र में स्विच कर रहा है यहाँ पर। तो 100 सेकेंड स्पेस में जाने के बाद वीडियो ऑफ हो गया था, तो अब देखते हैं हमारा सेकेंड स्पेस क्रिएट हुआ है कि नहीं। नीचे देख सकते हैं यहाँ पर यूज़र का सिंबल आ रहा होगा, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑनर न्यू यूज़र, जो हमने अभी क्रिएट किया था, गेस्ट मोड, और अगर आप चाहें तो एक और न्यू यूज़र ऐड कर सकते हैं। न्यू यूज़र पर क्लिक करने के बाद हम सेकंड स्पेस में चले जाते हैं, और वापस आने के लिए आपको सिंपली वही करना पड़ेगा कि यहाँ पर सेम सेकंड स्पेस में यहाँ पर ऑप्शन आएगा ऐसा, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और ऑनर पे क्लिक करने के बाद आप ओरिजिनल स्पेस में आ जाएंगे। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन और SMS ड्यूल स्पेस में भी आए, मतलब सेकंड स्पेस में भी आए, तो इसके लिए आपको सिंपली सेटिंग्स पे चले जाइए। सेटिंग्स में आने के बाद आप फिर से सिस्टम में चले जाइए, और मल्टीपल यूजर्स में आपने जो न्यू यूज़र बनाया है, यहाँ पर सेटिंग का सिंबल आ रहा होगा, तो यहाँ से सिंपली आपको टर्न ऑन फोन कॉल्स एंड SMS को ऑन कर लेना है। तो इससे आपका फ़ोन और SMS सेकेंड स्पेस में भी आना शुरू हो जाएगा। तो बात करें अब इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में, तो वो है कि आप स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं, लॉन्ग स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं, आप फोकस मोड कैसे ऑन कर सकते हैं, ग्रेसिल मोड कैसे ऑन कर सकते हैं,
लोकेशन कैसे ऑन कर सकते हैं, तो ये सब फीचर इस टैब में हिडन होता है। तो देखते हैं हम कैसे इसको ऑन कर सकते हैं। तो इसको ऑन करने के लिए आपको सिंपली आपको नीचे की ओर ड्रैग करना पड़ेगा, और ड्रैग करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे पेन आइकन कुछ बना हुआ है यहाँ पर, जो एडिट बटन कहते हैं इसे। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकेशन, पावर सेविंग मोड, इन्वर्ट कलर, डाटा सेवर, स्टोरेज, ग्रेसिल। यहाँ पर मैंने पहले से इसमें कुछ फीचर्स मैंने ऊपर में डाल दिया है। तो अगर आपको नीचे वाले फीचर्स ऊपर डालने हैं तो आपको सिंपली लॉन्ग प्रेस करके ऊपर की ओर यहाँ पर ट्रैक करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे करके आप इस फीचर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको सारे को ऊपर डाल देता हूँ, इन्वर्ट कलर, स्टोरेज। तो इस तरीके से आप इस टाइप के कुछ हिडन फीचर्स यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब बैक जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे फीचर्स, यहाँ पर आपका लॉन्ग स्क्रीनशॉट, फोकस मोड, सारे आपके फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ फीचर्स आईबॉल आइटम मूवीज एट प्रो के। अगर आपको और किसी फीचर के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर करें, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिला और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।